क्या ध्रुव, तुम तो बस अदिति की पतंग उड़ा रहे हो, मेरी पतंग नहीं उड़ाओगे? ये मत भूलो कि अदिति के साथ साथ हम और सब प्रेग्नेंट। श्रद्धा प्लीज। अरे ये बच्चा तुम्हारा है ना ध्रुव, देखो इसके साथ ना इंसाफी मत करो। पता है अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत बुरा लग रहा है, तो अगर तुम उसके साथ ये सब करोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने इस बच्चे के लिए। ध्रुव बिहान जी, इस पतंग पे आपकी पत्नी का नाम यानी कि हमारा नाम लिखा हुआ है, इसे नीचे मत गिरने देना, वरना प्यार का आपसे गुण होता है। लपक लेगा हमारी पतंग को, ये लीजिए हम लेकर आते हैं पतंग। मौका मिलते ही रोमांस शुरू, अभी खत्म करती हूँ इन दोनों की रोमांटिक फिल्म। We'll be right back.
तुम्हारी तस्वीर थी इसमें, इसीलिए नीचे गिरने से बचा है। कुछ गलत मत समझना। तुम्हारा प्यार समझना नहीं, महसूस करना है बेहान, और वो मैं कर रही हूँ। आज त्योहार के दिन तुमने मुझे बहुत बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। सारे किए कराए पे पानी फिर गया। इतना कुछ किए फिर भी दोनों का मकर संक्रांति साथ में ही मन गया। अरे ओ नेहा महारानी, इतना बड़ा त्योहार पूरु थपकी ने खूब प्यार से मना लिया हमारे बिहान जी के साथ, और हम तो उनका बाल भी बाका नहीं कर पाए। थपकी का असली त्योहार तो कल मनेगा। क्या है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हारे भले के लिए अदिति। तो क्या है, आज मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे किसी ने बताया कि अगर भैंस को दही चावल खिलाएंगे तो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है, और सिंस हम दोनों के बच्चे के पिता एक ही है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि ये बात मैं तुम्हें बताऊं। लो अदिति, ये दही चावल गुलाबों को खिला दो। मैं जानती थी कि तुम मेरा विश्वास नहीं, इसलिए अपने बच्चे के लिए ही सही ये काम कर दो। तुम्हें जो लगता है, जो भी दही चावल तुम गुलाबों को खिलाना चाहती हो वो उठा लो, जो बच्चे का मैं उसे खिला दूंगी। तुमने तो खट्टे दही चावल ले लिया दीदी, अब अगर ये खिलाओगी तो तुम्हें बेटी ही होगी। मेरे हाथ में है मीठे दही चावल, जब मैं ये गुलाबों को खिलाऊंगी तो मुझे होगा बेटा। अरे वाह गुलाबो, तू तो वो दही और चावल जो खट्टे थे वो खा गई, अब मेरी गुलाबो खाएगी ये मीठे चावल। ले ले खा खा खा। अरे खा ले गुलाबो, खा ले ना। क्या गुलाबो, वो खट्टे चावल तो गपगप करके खा गई, अब जो मैं मीठे चावल खिला रही हूँ तो ऐसे मुंह बना रही है तू? भाई ऐसा तो नहीं कि मैंने गलती से मीठे दही चावल अदिति को दे दिया और अदिति ने तुझे खिला दिया, उसे बेबी बॉय और मुझे बेबी गर्ल? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि ये मीठे चावल है? ये भैंस तो बताने से रही,
मुझे चेक करना पड़ेगा। बेटा ये मीठे चावल ही हैं। खा ले, खा ले प्लीज, खा ले। देख तू खाएगी ना तो मैं तुझे ना बहुत सारे पकवान बना के खिलाऊंगी, रोज खिलाऊंगी। खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। अरे वाह शाबाश, वाह, थैंक यू गुलाबो। अब देखना अदिति, इस पांडे परिवार को वारिस मैं ही दूंगी। गुड, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर बनाया जाता है, तुम कल से ही नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद सर। सर हमें आपसे एक बात और करनी है। हाँ बोलो। वो हमें एडवांस चाहिए था। यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है, अभी नौकरी लगी नहीं कि तुम्हें एडवांस चाहिए। सर वो हमें पैसों की सख्त जरूरत। ये एडवांस तुम्हारी सैलरी में एडजस्ट होगा, ओके? चलेगा। बोलो कितना चाहिए? 5 करोड़। कितना? 5 करोड़ बस। 5 करोड़ बस? तुम्हें मालूम है तुम्हारी सैलरी कितनी? हाँ सर देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम दिन रात मेहनत करेंगे, आपकी पाई पाई आपको लौटा देंगे, बस आप हमें 5 करोड़ दे दीजिए। देखिए सर आप नहीं जानते, अभी हमारा परिवार, हमें सख्त जरूरत है इसकी। देखो भाई, करोड़पति बनने के लिए दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो तुम्हारी लॉटरी लगनी चाहिए या फिर तुम किसी गेम शो में पार्टिसिपेट करो, तभी तुम रातों रात करोड़पति बन सकते हो। सर ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, हम तो यहाँ काम। मजाक नहीं कर रहे, मैं सच कह रहा हूं। मेरी वाइफ ने भी एक गेम शो में पार्टिसिपेट किया था और उसी जीती हुई रकम से मैंने ये कंपनी बनाई। मैं सच कह रहा हूं, तुमने टीवी पर बहुत से लोगों को करोड़पति बनते देखा हो, किसी कंपटीशन में भाग लो और वहीं तुम रातों रात करोड़पति बन सकते हो। बिहान और थपकी एक कभी नहीं होंगे, उल्टा थपकी बिहान की सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। ये बात जियो मेरी रानी, घर वाले तो थपकी का ये रूप देख के ना पगला ही जाएंगे। ये चोटी बीन का है, क्या करने वाली हो तुम इसका? अब देखती जाओ मैं आगे क्या करने वाली हूँ। क्या थपकी के चुड़ैल रूप की झलक दिखलाने वाली हो क्या घर वालों को? थपकी, 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 थपकी।